स्काई फोर्स को लेके अपडेट है कि स्काई फोर्स जो फिल्म है जो 2 अक्टूबर को एट प्रेजेंट आ रही है, देर इज़ हाई चांस कि वो हो सकती है पोस्टपोन। जी हाँ, पोस्टपोन की बात इसीलिए बोल रहा हूँ कि वो आगे जा सकती है। उसके पीछे सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट रीज़न ये है कि अक्षय कुमार सर की जो सरफिरा आ रही है उसके बाद खेल खेल में तुरंत आ रही है, उसमें कोई इशू नहीं है। वो दोनों में थोड़ा बहुत गैप है, 1 जुलाई में है, 1 सितंबर में, अगर मैं सही हूँ तो। मुझे अभी रिलीज डेट, हाँ आई थिंक वही है। पर वो जो 2 अक्टूबर को आ रही है ना स्काई फोर्स, वो पोस्टपोन होने के फुल ऑन चांसेस है। अपडेट्स के अनुसार एट प्रेजेंट बोला जा रहा है कि वो अगले साल जा सकती है, वेलकम टू द जंगल के बाद। वो वेलकम टू द जंगल के बाद क्या वो लाहौर 1947 के साथ क्लैश होगी, वो मुझे नहीं पता भाई। अगर हो गई तो फिर वापस हो गया वो वाला क्लैश, गदर वर्सेस OMG 2, आई मीन सनी देओल वर्सेस अक्षय कुमार। हाँ भाई, अभी एट प्रेजेंट तो वही लग रहा है मुझे, क्योंकि इसमें ना एक डिसएडवांटेज है, स्काई फोर्स ना आए, मैं पर्सनली बोलूँगा 26 जनवरी वगैरह डेट पर, यहाँ पे खबर यही थी कि सिंघम अगेन जो है वो दिवाली रिलीज़ है, पहले वो दिवाली में आने के चांसेस नहीं थे। पर जब से ये भी कंफर्म हो चुका है रेड 2 एक तो प्रीपोन होगी या फिर पोस्टपोन होगी, तो ऐसे में स्काई फोर्स जो है वो डेफिनेटली लाहौर 1947 के साथ क्लैश होने के चांसेस माने जा रहे हैं, कंफर्म नहीं है। अब सनी फैंस इसको वही नज़रिए से देख रहे हैं जो मैं बार बार बता रहा हूँ, वो निश्चिंत है क्योंकि वो फुल सपोर्ट करने वाले, वो तो चाहती है कि सनी पाजी की फिल्म कब आए, अभी तक आ नहीं रही है। गदर 2 को भी अब हो गया बहुत टाइम, तो वो तो भाई थोड़े से नर्वस भी है कि भाई कब आएगी फिल्म। उनकी बाकी फिल्मों का कोई अपडेट नहीं है, चाहे वो बाप नाम की फिल्म हो, तो बहुत सी फिल्में हैं यार जो लिस्ट में, उनकी कोई अपडेट नहीं। बॉर्डर 2 की अपडेट अभी रिसेंटली आई थी, पर उसको भी अभी टाइम है। कहने का मतलब यही है कि लाहौर 1947 वर्सेस स्काई फोर्स होने के फुल ऑन चांसेस है। अब यहाँ पे देखना ये है, ये कंफर्मेशन ज़रूर नहीं है, लेकिन अगर ये क्लैश होता है तो जीतेगा कौन, क्योंकि रीसेंट क्लैश जो गदर 2 OMG 2 था वो बहुत वन साइडेड, भले OMG 2 भी हिट हुई थी, लेकिन वो ब्लॉकबस्टर, ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर गदर 2 ने जो कारनामा किया था वो बहुत आगे थी। अब यहाँ पे वही देखना है कि अक्षय कुमार सर वापस फॉर्म में आएंगे। हाँ, एक फ़ायदा है कि उसमें तब तक अगर अक्षय सर की बाकी की फिल्में जो आ रही है वो हीट हो जाती है तो वो एक स्टारडम रहेगा, वो कंटिन्यू रहेगा, वो टेंशन नहीं होगा। पर OMG 2 से पहले भी उनकी फिल्में उतनी चली नहीं थी, ऐसे में गदर बहुत छलांग मारी थी और लाहौर 1947 हाई चांसेस है भाई तगड़ा चलेगी। तो अभी देखते हैं क्या होता है, स्काई फोर्स वर्सेस लाहौर 1947 ऑन क्लैश ऑन कार्ड्स या डेफिनेटली पॉसिबिलिटी तो है। आप किसके साथ हो?